दोस्तों, प्रत्येक जीव अद्भुत विशेषताएं लेकर पैदा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई जीव अपने गुप्तांगों से सांस लेता हो या अपने कटे हुए हाथ पैरों को दोबारा से उगा सकता हो। वास्तव में कुछ जीव तो इतने अनोखे होते हैं कि यकीन करना भी मुश्किल है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेहद ही अनोखी विशेषताओं वाले जीवों की ही चर्चा करते हैं। लीफी सी ड्रैगन। वास्तव में सबसे अनोखा जीवन तो समुद्रों में फैला हुआ है। हमारे महासागरों में अनेकों ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी तक नहीं है, किंतु जिन्हें हम जानते हैं वो भी कोई कम अनोखे नहीं है। जैसे कि लीफी सी ड्रैगन, ये जीव आपको धोखे में डाल देगा क्योंकि इसे देखकर आपको लगेगा कि ये कोई जीव नहीं बल्कि किसी पौधे की टहनी पानी में तैर रही है। लेकिन जब आपकी नज़र इसके तैरने के ढंग और इसकी आंखों पर पड़ेगी तो शायद आप समझ पाओगे कि ये वास्तव में एक जिंदा जीव ही है। वैसे से रंग रूप का इस जीव को बहुत फायदा मिलता है। असल में समुद्र में करीब करीब सभी जीव मांसाहारी ही पाए जाते हैं, इसलिए पौधे की टहनी समझकर कोई अन्य मछली लीफी सी ड्रैगन को खाने की कोशिश नहीं करती। वैसे लीफी सी ड्रैगन एक तरह का सी हॉर्स है और इस प्रजाति की एक और अनोखी खासियत है कि इनमें बच्चे देने का काम मादाएं नहीं बल्कि नर करते हैं। असल में नरों के पास एक थैली होती है और मादा नर की इसी थैली में अपने अंडे देती है। जब तक अंडों से छोटे शिशु बाहर नहीं आ जाते तब तक नर लीफी सी ड्रैगन उन अंडों को अपनी में ही रखता है। ये अद्भुत जीव ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समुद्री इलाके में ही देखा जाता है और चूंकि इसे पहचान पाना और खोज पाना काफी कठिन है, इसलिए किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि लीफी सी ड्रैगन की कुल संख्या लगभग कितनी होगी। कोमंडोर। दोस्तों, कोमंडोर एक बड़े आकार का कुत्ता है जिसके बाल बेहद ही घने एवं लंबे होते हैं। ये बाल लटकी हुई रस्सियों जैसे दिखाई देते हैं। इस कुत्ते को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो ये कुत्ता नहीं बल्कि भेड़ है। भारी शरीर होने के बावजूद भी ये कुत्ता काफी तेज एवं फुर्तीला होता है और इसे पशु की रखवाली के काम में लाया जाता है। कोमंडोर रखवाली के लिए बहुत ही समर्पित होता है। ये गाय भैंसों से लेकर भेड़ बकरियों तक का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। ऐसा देखा गया है कि जंगल में चरने गई भेड़ बकरियों को बचाने के लिए एक अकेला कोमंडोर भी भेड़ियों के पूरे झुंड के साथ भिड़ जाता है। अपने लंबे बालों के कारण ही ये कुत्ता भेड़ों के बीच में अच्छी तरह से घुल मिल भी जाता है। वैसे इतने लंबे बालों के साथ इस कुत्ते को पालना भी काफी कठिन काम है। इसे हर रोज नहलाना और संवारना पड़ता है। कोमंडोर को यदि नहलाया ना जाए तो इस कुत्ते के बालों में कई तरह के परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं एवं इसके शरीर से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू भी आने लगती है। वैसे इतने लंबे और घने बालों का इस कुत्ते को काफी फायदा भी मिलता है। पहली बात तो ये कि लंबे बाल इसकी त्वचा की सुरक्षा करते हैं और दूसरा ये कि कोमंडोर यूरोप के बेहद ही ठंडे स्थानों पर पाया जाता है और ये बाल इसे भयानक ठंडी में भी गर्मी का एहसास कराते रहते हैं। एक्सोलोटल। ये प्राणी अनेकों कारणों से धरती के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक माना जाता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यदि इस जीव के अंग को काट दिया जाए तो ये अपने प्रत्येक अंग को दोबारा से उगा सकता है। न सिर्फ पैर बल्कि एक्सोलोटल रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक को दोबारा रीजनरेट करने में सक्षम है। एक्सोलोटल सेलामेंडर प्रजाति का जीव है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक्सोलोटल जीवन भर न्यूरॉन्स और नई मांसपेशियों को विकसित करता रहता है। एक्सोलोटल की इस अनोखी खूबी के बारे में 1964 में पता चला था। उस वक्त शोधकर्ताओं ने पाया था कि यदि किसी वयस्क एक्सोलोटल के दिमाग का आधे से अधिक हिस्से को भी निकाल दिया जाए तो भी यह अपने दिमाग को फिर से विकसित कर लेने में सक्षम है। इस जीव के घाव भी बहुत ही तेजी से भरते हैं और अपने कटे हुए पैर को ये कुछ सप्ताह में ही फिर से उगा लेता है। वैसे एक्सोलोटल के अलावा कई और भी अन्य जीव हैं जो बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट करने में सक्षम है। जैसे कि यदि स्टारफिश का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वह उसे रिजनरेट कर लेती है। वही हमारे घरों में पाए जाने वाली छिपकली भी अपने कटी हुई पूंछ को दोबारा से उगा सकती है। मैरी रिवर टर्टल। दोस्तों, कछुए धरती के सबसे अनोखे जीवों में शामिल किए जाते हैं। ये ना सिर्फ लंबे समय तक जीवित रहते हैं बल्कि और भी कई विशेष खूबियों के मालिक हैं। कछुए ठंडे खून वाले प्राणी हैं। इनके शरीर का तापमान और पाचन क्रिया पानी के भीतर जाने पर ठंड की वजह से बहुत कम हो जाते हैं, जिस वजह से कछुओं को बहुत ही कम ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ती है। यही वजह है कि अधिकतर कछुए करीब 3 दिनों तक बिना सांस लिए आसानी से पानी में जिंदा रह लेते हैं। हालांकि कुछ शोधों से यह भी पता चला है कि कछुओं के उत्कों में खाली जगह होती है जिसमें अपनी आवश्यकता के लिए ये ऑक्सीजन स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ प्रजातियों के कछुए अपने गुप्तांगों से पानी भीतर खींचते हुए उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का मछलियों की ही तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला मैरी रिवर कछुआ सबसे माहिर है। जानकार बतलाते हैं कि ये कछुआ अपने गुप्तांग की मदद से ऑक्सीजन सोखते हुए
लगातार कई महीनों तक पानी से बाहर निकले बिना ही गुजारा कर लेता है। साथ ही इस कछुए के सर पर हरे रंग के बाल भी उगे हुए होते हैं। ये हरे रंग के बाल घास जैसे दिखाई देते हैं। इनका इस्तेमाल शायद ये कछुआ अपने आसपास के माहौल में खुद को छुपाने के लिए करता होगा। अफ्रीकन बुलफ्रॉग। अफ्रीका में पाए जाने वाली हर संरचना अपने आप में अद्भुत और निराली है और इन्हीं में से एक है अफ्रीकन बुलफ्रॉग यानी सांड मेंढक। ये मेंढक बहुत ही ताकतवर होते हैं जो करीब 1 फुट लंबे और 3 किलो से भी अधिक भारी हो सकते हैं। अफ्रीकन बुलफ्रॉग का व्यवहार काफी आक्रामक और खतरनाक भी होता है। इनके खतरनाक व्यवहार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भूखे होने पर ये मेंढक जहरीले सांपों तक को अपना निवाला बना लेते हैं। यानी जहां एक ओर सभी मेंढक सांप से डरते हैं, वहीं अफ्रीकन बुलफ्रॉग को देखते ही उल्टे सांप ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। अफ्रीका में ये मेंढक सवाना की घास, दलदली जमीन, शुष्क झाड़ी और नहरों समेत लगभग सभी स्थानों पर मिल जाते हैं। ये देखा गया है कि अफ्रीकन बुलफ्रॉग बड़े से बड़े जानवर पर हमला भी बोल देते हैं, इसलिए इनके रहने के स्थानों पर जाने से गाय भैंस जैसे बड़े जानवर भी डरते हैं। प्रजनन काल के दौरान अफ्रीकन बुलफ्रॉग अत्यधिक खतरनाक और हिंसक हो जाते हैं। मादा को हासिल करने के लिए नरों के बीच में खूनी जंगें होती हैं। इन जंगों के दौरान बड़ी संख्या में ये एक दूसरे को ही मार डालते हैं। मादा अफ्रीकन बुलफ्रॉग पानी से भरे स्रोतों जैसे तालाब और नदियों आदि में एक ही समय में लगभग 3 से 4 हजार तक अंडे दे देती है। अंडों से टैडपोल विकसित होने के दौरान नर अफ्रीकन बुलफ्रॉग उनकी रक्षा करता है। नर बुलफ्रॉग तब तक अपने टैडपोल्स की रक्षा करना जारी रखता है जब तक वो टैडपोल विकसित होकर खुद अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाते। हालांकि भूख लगने पर कई बार ये हिंसक मेंढक खुद के जन्मे बच्चों को भी खा जाते हैं। पांडा एंट। दोस्तों, आपने तस्वीरों और वीडियो में पांडा तो जरूर देखा होगा। ये जीव बेहद ही प्यारा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ही प्यारी दिखने वाली एक चींटी भी पाई जाती है। हालांकि ये चींटी आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये केवल अर्जेंटीना और चिली देश में ही मिलती है। साधारण चींटियों के विपरीत पांडा चींटियों के शरीर पर सफेद, काले और लाल बाल होते हैं। इन बालों की वजह से ही ये चींटी इतनी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। वैसे कुछ जानकार बतलाते हैं कि पांडा चींटी कोई चींटी नहीं बल्कि वास्प प्रजाति का जीव है। वास्प प्रजाति में मुख्यतः मधुमक्खी जैसे कीटों को शामिल किया जाता है। खैर, चाहे जो भी हो, किंतु एक बात तो तय है कि पांडा एंट बहुत ही खतरनाक जरूर होती है। अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले तो दर्द इतना भयानक होता है कि इंसान की मौत तक भी हो सकती है। चिली के स्थानीय लोग तो इस चींटी को गाय मारने वाली चींटी के नाम से पुकारते हैं। ये माना जाता है कि पांडा चींटी हजारों की संख्या में गाय को काटते हुए अपना विष गाय के शरीर में भर देती है, जिससे बेचारी गाय की मौत हो जाती है। सामान्य चींटियों की तरह पांडा चींटी कॉलोनी बनाकर नहीं रहती बल्कि ये खानाबदोश और घुमंतू जीवन जीना पसंद करती है। चलते फिरते हुए ही पांडा चींटी किसी मरे हुए जानवर के शरीर में अपने अंडे दे देती है और इनके लार्वा उस मरे हुए जानवर के मांस को खाते हुए ही चींटी के रूप में विकसित होते हैं। हाल ही में पांडा चींटियों के बारे में एक और अनोखी बात पता चली है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नर पांडा चींटी दिन में आराम करते हैं और रात्रि के समय अपने भोजन की तलाश में जुटते हैं, वहीं मादाएं ठीक इसका उल्टा करती है, यानी रात्रि को आराम और दिन में भोजन की तलाश। इन चींटियों में जहरीला डंक भी केवल मादाओं के पास ही होता है। नर और मादा के बीच में इस तरह का व्यवहारिक अंतर पांडा चींटियों को काफी रहस्यमय जीव बना देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।